हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अल्फा मैथ कैम्प क्लासेस। तुम लोग जो मोर आगर इंट्रोडक्शन तो चाइसा तुम लोग गम पासा जो मैं तुम लोग आज बायोलॉजी क्लास स्टार्ट करम। आज मैं तुम लोग एक्सप्लेन कर क्लास इलेवेनर जी फर्स्ट चैप्टर है दि लिविंग वर्ल्ड। इतना तुम लोग चैप्टर विषय मैं किसान इम्पर्टेन्ट नोट्स दिम जी तुम लोग बोर्ड्स कारण इम्पर्टेन्ट है और किसान इम्पर्टेन्ट क्वेश्चन कम जी तुम लोग नीटर कारण इम्पर्टेन्ट है। इतना ये लिविंग वर्ल्ड जी चैप्टर है इतना तुम लोग सबे जाना कि लिविंग और नॉन लिविंग मजे डिफरेंस कि है। तो लिविंग आम सबे जानू लिविंग कि पड़े जीवन ह्यूमन बीइंग प्लांट्स एनिमल्स एबूर से लिविंग और नॉन लिविंग कि है चेयर टेबल बोर्ड एबूर से नॉन लिविंग। तो इतना ये चैप्टर तो आम डिटेल्स पढ़ीम जो ये लिविंग नॉन लिविंग के डिस्टिंग्विश पे एने की फीचार्स आसे जार कारण लिविंग लिविंग कह लिविंग कि जो लाइफ थके इतना कि फीचार्स आसे जार कारण मानने लिविंग नॉन लिविंग डिस्टिंग्विश पारि फीचार्स दूटा एटा डिफाइनिंग फीचार्स और एटा कैरेक्टरिस्टिक्स फीचार्स। इतना आम चाहे डिफाइनिंग फीचार कि है डिफाइनिंग फीचार तो जो डिफाइनिंग फीचार तो एने फीचार है जी तुम लोग अक लिविंग अर्गेनाइजम्स थके एक्सेप्शन्स नाथाके और यू नॉन लिविंग पा ना जाए अक सब लिविंग जीवन लिविंग है जीवन लिविंग अर्गेनाइजम्स है सबते फीचार तो पा जा कैरेक्टरिस्टिक फीचार कि है कैरेक्टरिस्टिक फीचार्स तेने फीचार्स है जीवन नॉन लिविंग थके और लिविंग थके। इतना आम चम जो डिफाइनिंग फीचार जी मेटाबॉलिज्म। तो आम कि जानू मेटाबॉलिज्म मानने कि है रिएक्शन्स बिलाक है ना सम टोटल ऑफ रिएक्शन्स है जीवन आम सेलर भर आम भर इतना मेटाबॉलिज्म तो तुम लोग सबरे हम जीवन लिविंग अर्गेनाइजम्स है ना लिविंग अर्गेनाइजम्स मेटाबॉलिज्म सबरे हम कारण लिविंग अर्गेनाइजम्स मानने कि सेल थको तो सेलर भर यह जीवन रिएक्शन्स ये हम और नेक्स्ट तो आज सेलुलर अर्गेनाइजेशन सेलुलर अर्गेनाइजेशन नेक्स्ट तो सेलुलर अर्गेनाइजेशन। इतना सेलुलर अर्गेनाइजेशन आम कल सेल सेलर कथा कैसे इतना लिविंग में सबते सेल थको है तो यू हल हेटो और कन्सियसनेस यहाँ डिफाइनिंग फीचार्स है ये फीचार्सबूर मैं आको कैसा ये फीचार्सबूर नॉन लिविंग नाथके अक लिविंग थके तो कन्सियसनेस जी है कन्सियसनेस कि है आम only living living beings bilake ami ki korbo paru je ami environment or against ami respond dibo paru hoyne ami feel korbo paru kintu non living e etu noare to etu eta hoy gol consciousness। etia ami sam jibur amar characteristic features hoy etia characteristic features bilake ki hoy tumar living to thake aru non living to thake hoyne etia growth eta tumaluke bhabisa sake growth to आम नॉन लिविंग क्यों कैसा कारण नॉन लिविंग ग्रोथ हुआ नेदेखूँ है ने? किंतु इतना कि हम इतना एग्जाम्पल आसे ग्रोथ तो तुम लोग एक्सेप्शन पड़े क्यों कारण एट पहाड़ पहाड़ तो जैसे बरफ पड़े है पहाड़ बरफ पड़े पहाड़ साइज तो इनक्रीज हो जाए तो सीट मानी कि पहाड़ तो ग्रोथ हुआ बुली धरे तो सरकार पहाड़ तो नॉन लिविंग है माउंटेन नॉन लिविंग है किंतु ग्रोथ तो तुम नॉन लिविंग धरे तो ग्रोथ तो एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। सेकेंड रिप्रोडक्शन इतना रिप्रोडक्शन अक लिविंग बींगसे करे किंतु यात एक्सेप्शन्स आसे इतना जनेके कि है जीवन ह्यूमन बींगस स्टेराइल है जोने कन्सिव करबो नोवारे तेओलुकतो जियाय आसे होने नाय हे कारणे रिप्रोडक्शन तो एक्सेप्शन्स हुआ कारण इक डिफाइनिंग फीचार नधरे इक धरे कैरेक्टरिस्टिक फीचार हिसाबे आरु एटा एग्जाम्पल आसे इयात म्यूल म्यूल तुम लोग शुनीसा जी डंकी और हर्स क्रस है स्टेराइल है किंतु तो लिविंग है न लिविंग है तो हेकारने रिप्रोडक्शन तो एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। इतना आम नेक्स्ट और एक इम्पर्टेन्ट है कि यूर इतना जो तुम लोग सोधे मेटाबॉलिज्म तो लिविंग लिविंग अर्गेनाइजम्स कैरेक्टरिस्टिक्स है ना तुम लोग कब लगे लिविंग मेटाबॉलिज्म तो लिविंग अर्गेनाइजम्स कैरेक्टरिस्टिक है किंतु
তোমালোকক যদি সুধে মেটাবলিজমটো লিভিং অৰ্গানিজমৰ কেৰেক্টাৰিষ্টিক ফিচাৰ হয়নে তেতিয়া কিন্তু কেৰেক্টাৰিষ্টিক ফিচাৰ নহয় মেটাবলিজমটো লিভিং অৰ্গানিজমৰ কেৰেক্টাৰিষ্টিক হয় কিন্তু কেৰেক্টাৰিষ্টিক ফিচাৰ কিন্তু নহয় বুজি পালা সবে এতিয়া আমি নেক্সট পঢ়িম এই কেৰেক্টাৰিষ্টিক্স বিলাকৰ কথা ডিটেইলছত পঢ়িম ফার্স্টত আহিব ग्रोथ इतना ग्रोथ तो आम जानू कि कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कैरेक्टरिस्टिक फीचर एटो कि है इनक्रीज इन मास ग्रोथ आम क्या है बुली दूर इनक्रीज इन मास और increase in number increase in mass ba increase in number jetia hoy tetia ami ki dharu je tetia growth hoise hoy ne aru ei bostu tu etu ei bostu tu twin কেৰেক্টাৰিষ্টিক বুলি কয় এটো আমাৰ এনসিআরটি মতে যেটো হৈছে এটো তোমালোকৰ যেটো গ্রোথ হয় গ্রোথৰ যেটো ইনক্রিজ ইন মাস আৰু ইনক্রিজ ইন নাম্বাৰ যেটো হয় এটো টুইন কেৰেক্টাৰিষ্টিক অফ গ্রোথ ফর্ম বুলি কয় এটো তোমালোকৰ এটো ইম্পর্টেন্ট হয় এটো এনসিআরটিৰ পইণ্ট হয় আৰু এতিয়া কি হৈছে গ্রোথটো হৈছে দুটা টাইপৰ ग्रोथ कैटा टाइपर दूटा टाइपर टू टाइप्स कि पड़े एटा फर्स्ट टू एक्सट्रिंसिक और सेकेंड टू इंट्रिंसिक फर्स्ट तो की एक्सट्रिंसिक और सेकेंड तो इंट्रिंसिक तो एक्सट्रिंसिक आम कि है जी बाहर फल जी ग्रोथ है सीट कि बुली कय एक्सट्रिंसिक और एक इंट्रिंसिक तो एटोट की हम एटोट जीपीटू एक्सटर्नली हम ग्रोथ तो की हम एक्सटर्नली हम और इंट्रिंसिक की हम ग्रोथ तो इंटरनली हम एतिया तुम लोग मैं अथनी कि कैसिलो जे पहाड़ एटा ठंडा दिन पहाड़ ऊपर जेतिया बरफ जेतिया हम এতিয়া কি হ'ব ইনক্রিজ ইন সাইজ হ'বনে নাই লগে লগে গ্রোথ হ'ব আৰু গ্রোথ হলে কি হ'ব ইয়াৰ এটো বৰফ আহি যাব তেতিয়া তোমালোকৰ গ্রোথটো বাঢ়ি যাব আৰু এটো কি বুলি কয় এটো যেতিয়া তোমালোকৰ বৰফখিনি গলি যাব আকৌ এটো নিজৰ সাইজত আহি যাব তো সেই কাৰণে সদায় যিবিলাক এক্সট্রিনসিক গ্রোথ হয় হেবৰ ইৰিভার্সিবল হয় হেবৰ ৰিভার্সিবল হয় দেই ভুল হল रिवर्सेबल है रिवर्सेबल और जीवन इंटरनल ग्रोथ है इतना इंटरनल ग्रोथ बिल्कुल कि है सेलक ग्रोथ है लिविंग और इंट्रिंसिक ग्रोथ तो सदा लिविंग है और एक्सट्रिंसिक ग्रोथ तो सदा नन लिविंग है इतना जो इंट्रिंसिक ग्रोथ तो आबू लिविंग हम लिविंग ग्रोथ तो सदा इरिवर्सेबल है आम इतना आम ग्रोथ हल आम के আকৌ তো আমাৰ গ্রোথ নোহোৱা কৰি দিব নোৱাৰো আকৌ তো আমি সৰু হৈ যাব নোৱাৰো ন তেনেকে আমাৰ যেটো গ্রোথ হয় ন এই ইনট্রিনসিক যেটো গ্রোথ হয় সেটো ইৰিভার্সিবল হয় এটো এতিয়া রিপ্রোডাকশন কি হয় এন এবিলিটি অফ এন অর্গানিজম টু প্রোডিউস অফস্প্রিং অফ ইটস ওন কাইন্ড মানে কি হয় কি মানুহে মানুহ জন্ম দিব হয়নে নাই तो गोरुए गोरु जन्म दी एने सीरियल हम तो निजर अर्गेनाइजमे निजर ऑफस्प्रिंग
যেতিয়া প্রডিউস করে তাকে রিপ্রোডাকশন বলি কয়। এতিয়া রিপ্রোডাকশনের দুটা টাইপ আছে, টু টাইপস। এটা হয়েছে সেক্সুয়াল আর এটা হয়েছে সেক্সুয়াল। তো কি হয়, অসেক্সুয়াল যেটা রিপ্রোডাকশন হয় ই সিম্পল হয় আর ইয়াতে কি হয় আইডেন্টিক্যাল, যেবোৰ অফস্প্রিং হয় সেইবোৰ আইডেন্টিক্যাল হয় আর যিবিলাক সেক্সুয়াল রিপ্রোডাকশনের যেবোৰ অফস্প্রিং হয় সেইবোৰত ভেরিয়েশন থাকে। আর সেক্সুয়ালটো এটা কমপ্লেক্স প্রসেস হয় আর স্লো প্রসেস হয়, আর যেটো অসেক্সুয়াল রিপ্রোডাকশন হয় কি কি হয় তোমার সেইটো ইজি প্রসেস হয় আর এটো ফাস্ট হয়, কিন্তু সেক্সুয়ালটো স্লো হয়। এতিয়া আমি চাম টাইপস অফ অসেক্সুয়াল রিপ্রোডাকশন। আমি এটা কি চাম, অসেক্সুয়াল রিপ্রোডাকশনের টাইপসবোৰ চাম। এতিয়া ফার্স্ট কি হয়েছে, বাইনারি ফিউশন। এইটো বাইনারি ফিউশনটো অকল ইউনিসেলুলার অর্গানাইজমসত হয়, কিহত হয় ইউনিসেলুলার, ইউনিসেলুলার অর্গানাইজমস। তো বাইনারি ফিউশনটো কি হয়, এক্সাম্পল কি হয় ইয়ার, অ্যামিবা। কি কি হয় বাইনারি ফিউশনটো কি হয়, এটো অ্যামিবা হয়। তো ই কি করলে, দুটা নিজের পর কি করলে, দুটা অফস্প্রিং, দুটা অফস্প্রিং প্রডিউস করলে। তো এটো কি হয় অ্যামিবা, এটো হয়েছে বাইনারি ফিউশন। যেটা নিজের পর দুটা অফস্প্রিং এনেকে প্রডিউস করব এটো কি বলি কব, বাইনারি ফিউশন। আর নেক্সট কি আছে, বাডিং। বাডিংত কি হয়, এইটো হৈছে পেৰেণ্ট অৰ্গেনাইজম আৰু এইটো কি হৈছে, বাডিংত কি হৈছে, ইয়াৰ প্ৰথমতে এক্সাম্পলটো চাই লোৱা, ইষ্ট আৰু হাইড্ৰা। তো এই প্ৰচেছত কি হয় কি, এইটো আছে পেৰেণ্ট অৰ্গেনাইজম হয়, এইটো ইয়ার একটা বাড থাকে, এই বাডটো কি হয়ে যায়, ডিটেচ হয়ে যায়, এই বাডটো ভাঙি যায়, ভাঙি পেলে এটা নিউ এটু বাড হয়, বাড হয়, আর এটু হয়েছে পেৰেণ্ট অর্গানাইজম। ইয়ারপরা বাডটো ডিটেচ হয়ে যায়, ভাঙি যায়, ভাঙি পেলে কি হয় এটা নিউ অর্গেনাইজম ফর্ম করে, এইটো হয়েছে বাডিং। আর ইয়ার এক্সাম্পল হয়েছে, এক্সাম্পলব তোমালে সাবা, এক্সাম্পলব তোমালোর এক্সামত আহে, ইস্ট আর হাইড্রা, আর ইয়াত কি আসলে অ্যামিবা। এতিয়া বাইনারি ফিউশন আর বাডিং হল, আর নেক্সট আহিব এতিয়া ফ্র্যাগমেন্টেশন। তিন নম্বর কি হয়, এতিয়া ফ্রেগমেন্টেশনটো কিহত হয়, যেতিয়া প্লান্টৰ পার্টসবোৰ ন, যেতিয়া প্লান্টসৰ পার্টবোৰ ভাঙি যায় আৰু সেই ভাঙাখিনিৰ পৰা যেতিয়া নিউ অৰ্গেনাইজম এটা প্ৰডিউচ হয় ন, সেইটোক ফ্রেগমেন্টেশন বুলি কয়। এতিয়া ফ্রেগমেন্টেশনৰ এক্সাম্পল হৈছে মাল্টিসেলুলাৰ ফাঞ্জাই আৰু কি হ'ব, ফিলামেন্টাস এলগি, বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয় এইটো, ফিলামেন্টাস এলগি। আর এই ফিলামেন্টাস এলগিত কি কি পড়ে, স্পাইরোগাইরা, আর কি পড়ে, পুলোট্রিক্স, স্পাইরোগাইরা এটু। আর নেক্সট কি পড়ে, প্রোটোনিমা অফ মোসেস, তো এইকটা এক্সাম্পল হয়েছে ফ্রেগমেন্টেশনের, এইকটা বহুত ইম্পর্টেন্ট হয়, এইকটা
नीटर कारण तुम लोग इम्पर्टेन्ट है तो ये एग्जाम्पल क्या मन रखा इतना नेक्स्ट कि आहिले तार पिसते नेक्स्ट आहिले स्पोरुलेशन की है फॉर्मेशन ऑफ असेक्सुअल स्पोर्स फॉर्मेशन ऑफ असेक्सुअल स्पोर्स असेक्सुअल स्पोर्स तो प्रोड्यूस करके स्पोरुलेशन क्या असेक्सुअल स्पोर्स दी पे ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करके स्पोरुलेशन क्या स्पोरुलेशन स्पोर्स दो टाइप थके फंजाई पर थके और थके एलगी पर थके फंजाई पर जब स्पोर्स प्रोड्यूस कर फंजाई पर सभी क्या है कणी दिया एटु कोपरा ए स्पोर टू फंजाई परा है आरो नेक्स्ट की है जू स्पोर्स तो एलगीर है एटु गम पाला कोनी दिया फंजाई स्पोर्स है आरो जू स्पोर्स की है एलगीर है आरो एकिता होई से असेक्सुअल स्पोर्स है आरो लास्ट आमी की पढ़िम ट्रू रीजेनरेशन एटो किमान नंबर होइसे फाइव नंबर एटो फोर आसले ना फोर आरो एटो फाइव है आरो एटा आसे ट्रू रीजेनरेशन एटिया सा तुमालोके रीजेनरेशन दुटा टाइपर है एटा होइसे एटा रीजेनरेशन की है जेतिया लिजर्ड एटार जेतिया टेल डाल जेतिया एराई जाय हैने तेतिया की है टेलडाल सिंह बेलेगे टेल आ जाए कि टेलडाल नतुन एट लिजार्ड फर्म नु ट्रु रीजेनरेशन तो एने कि ट्रु रीजेनरेशन जी प्लेनेरिया जी फ्लेट वार्म है हाँ प्लेनेरिया फ्लेट वार्म ये प्लेनेरिया तो कि प्लेनेरिया तो कट है प्लेनेरिया तो जैसे कट हो जाए जिको पार्टते पार्टरपर एट नतुन नतुन प्लेनेरिया बनी जाए तो यू कि बुली कह तुम लोग ट्रु रीजेनरेशन तो गम पाला आम कि पढ़िल बाइनरी फिजन पढ़िल तार पिछते बडिंग पढ़िल तार पिछते स्पोरुलेशन ट्रु रीजेनरेशन और एट कि थकिल फ्रेगमेंटेशन तो ये पाँचा कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन टाइप्स है इतना रिप्रोडक्शन और एक इम्पर्टेन्ट कथा आए यह कि आम जानूँ बाइनरी फिजन जी है सीट कि है बाइनरी फिजन में तुम दूटा बनी जाए है एटा एमिबा पा दूटा एमिबा बनी जाए तो यू एमिबा दूटा यू आम पढ़ी बाइनरी फिजन इतना कि आज ग्रोथ आम कैसी ग्रोथ के इनक्रीज इन मास है और इनक्रीज इन नम्बर है इतना यू इनक्रीज इन नम्बर हमने तो कि है यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजम्स सदा यूनिसेलुलर इतना यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजम्स सदा ग्रोथ इक्वल टू रिप्रोडक्शन है ग्रोथ और रिप्रोडक्शन सिनोनिम्स है सेम है जेतिया यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजम्स कथा आहिबो किंतु जेतिया मल्टीसेलुलर कथा आहिबो मल्टीसेलुलर सदा ग्रोथ and reproduction is different gom pala hodai jeta unicellular organism sahibo tetia hodai growth equal to reproduction hoy mane growth aru reproduction synonyms hoy duita kintu jetia multicellular organisms kotha ahibo tetia growth aru reproduction duita different hoy duita beleg hoy
এতিয়া লাস্ট আহিব এতিয়া নেক্সট আহিব মেটাবলিজম मेटाबॉलिज्म तो क्या आसिले मेटाबॉलिज्म तो होइसे ता डिफाइनिंग फीचर्स कारण एटो की होय एटो अकल लिविंग ऑर्गेनाइजम्स ते होय लिविंग सेल्स ते होय एटो की होय एटा डिफाइनिंग फीचर होय ऑकर्स ओनली इन लिविंग सेल्स लिविंग सेल्स है इतना कि है मेटाबॉलिज्म की है मेटाबॉलिज्म की है सम टोटल ऑफ रिएक्शंस ऑकर्स ऑकर्स इनसाइड द सेल इतना रिएक्शन दो टाइप थके एटा एनाबॉलिज्म और नेक्स्ट जीटो होइसे कैटाबॉलिज्म इतना एटा कि होइसे मेटाबॉलिज्म और जीटो रिएक्शन है सम टोटल ऑफ रिएक्शंस है तो रिएक्शंस बो दुटा टाइप थके एटा थके एनाबॉलिज्म और एटा थके कैटाबॉलिज्म एनाबॉलिज्म कितिया होय जेतिया किबाटा सिंथेसिस होय कि जेतिया किबाटा प्रोड्यूस होय आरो कैटाबॉलिज्म कि होय ब्रेकडाउन जेतिया किबाटा मॉलिक्यूलटा ब्रेकडाउन करा होय आरो इयात कि होय जेतिया एटा किबा सिंथेसिस करा होय इयात कि हबो सिंथेसिस सिंथेसिस कि होय आरो एतु कि होय ब्रेकडाउन होय ब्रेक डाउन এতিয়া কি হ'ব ইয়াৰ এক্সাম্পল এনাবলিজমৰ এক্সাম্পল কি হ'ব আমি সবে জানো ফটোসিনথেসিস এনেকুৱা এটা প্ৰচেছ হয় যিটো প্ৰচেছত গ্লুকোজ ফৰ্ম হয় এতিয়া গ্লুকোজ কি হয় সিনথেসিস হয় তো তাৰ মানে কি হ'ব এনাবলিজমটোৰ এক্সাম্পল হ'ব ফটোসিনথেসিস প্ৰচেছটো আৰু কেটাবলিজমৰ এক্সাম্পল কি হ'ব रेस्पिरेशन जो ग्लुकोज तो ब्रेकडाउन है हने तो इत की हम एग्जांपल रेस्पिरेशन एतिया कम पाला तुम लोग सबे एतिया एटा क्वेश्चन आसे एनसीआर ते दिया हैछे कि এতিয়া এটা কোয়েশ্চন এনসিআরটি আছে কি এই যেটো মেটাবলিজম মেটাবলিজমৰ যিবিলাক রিয়েকশন তো রিয়েকশনস বিলাক আমাৰ সেলত হয় আমি সবে জানো কিন্তু এটো বাহিৰত হ'ব পাৰে নে কোয়েশ্চন আছে এনসিআরটি তো ইয়াৰ আনসার কি হ'ব যে পাৰে কিয় পাৰে কাৰণ এটা কেনেকৈ ল্যাবত পাৰে ল্যাবত কিছুমান যেতিয়া ইনভিট্রো আমি যেতিয়া শুনিছো reaction can occur outside body to edo kiyo hobo eta test tube hoy na tate ami ki dilu milk तो मिल्क की थके लैक्टोज हैने एतिया की हबो एतिया जदि आमी एंजाइम आमी की कसो ए जेबिलाक रिएक्शंस भितर होय आमार बॉडी भितर रिएक्शंस की हो कारणे होय एंजाइम्स हो कारणे होय हैने एतिया आमी जदि हे एंजाइम तो जदि बाहिरत बा लेबत बा टेस्ट ट्यूबत दि दिउ जेतु एंजाइम आमार बॉडी भितर थके हे एंजाइम्स जदि दि दिउ তেতিয়া হলে এটো পসিবল হয় এতিয়া কি হ'ব এটো ল্যাকটেজ হয়নে তো কি করে এই মিল্ক খিনি যেতিয়া ল্যাকটেজ যেতিয়া হ'ব তেতিয়া মিল্ক টু গ্লুকোজ আৰু গ্যালাক্টোজ হয়নে গ্লুকোজ আৰু ল্যাকটেজ যেতিয়া লগে লগে মিল্ক টু যেটো ল্যাকটোজ থাকে ল্যাকটোজ টু ভাঙি গ্লুকোজ আৰু গ্যালাক্টোজত ভাঙি যাব হয়নে তো কিন্তু এটা কথা মনে রাখবা কি
जी ए जी रिएक्शन जो है ये रिएक्शन जो है यू लिविंग रिएक्शन क्य यू ए जी रिएक्शन करो लिविंगो नॉन लिविंगो नो कि रिएक्शन तो लिविंग रिएक्शन क्या है यू इम्पर्टेन्ट है एन सी आर टी आ इतना नेक्स्ट कि आया कि है कन्सियसनेस तो एन सी आर टी लाइन मते कि है मोस्ट ऑब्वियस एंड टेक्निकली मोस्ट कॉम्प्लेक्स मोस्ट ऑब्वियस एंड टेक्निकली मोस्ट कॉम्प्लेक्स है एन सी आर टी लाइन मते और कि है कन्सियसनेस तो अवेयरनेस और कि है इ कन्सियसनेस कि है जेतिया रेस्पॉन्ड टुवर्ड्स एनवायरमेंटल स्टिमुली आमी जेतिया एनवायरमेंटर एगेन्स्ट रेस्पॉन्स टुवर्ड्स एनवायरमेंटल स्टिमुली आमी जेतिया एनवायरमेंटर एगेन्स्ट जेतिया रेस्पॉन्स शो करू तेतिया की होय एतु तेतिया एतु कन्सियसनेस बुली कय न आमी आमार कन्सियसनेसर कारणे एनवायरमेंटर एगेन्स्ट आमी रेस्पॉन्स शो करू हैने आरो एतिया की हबो ए जी एनवायरमेंटल स्टिमुली आसे एबिला की आसे फिजिकल केमिकल आरो थर्ड तो की है बायोलॉजिकल तीनटा आसे की है फिजिकल केमिकल आरो होइसे बायोलॉजिकल एटा की हबो फिजिकल की पड़ो टेम्परेचर टेम्परेचर ग्रेविटी एटसेट्रा केमिकल की पड़ पल्यूटेन्स एसिड्स एटसेट्रा और बायोलॉजिकल की पड़ ऑर्गेनाइजम्स एतिया की हबो फिजिकल जेबिलाक होय फिजिकल स्टिमुलसत किबिलाक पड़े टेम्परेचर पड़े ग्रेविटी पड़े एबो पड़े हैने टेम्पर एतिया की होय किसुमान की होय किसुमान जेबिलाक लिविंग बिइंग होय बेसी टेम्परेचर पले एफेक्ट होबो पारे हैने तो हे कारणे फिजिकल टेम्परेचर ग्रेविटी एबिलाकर पर एफेक्ट पड़े एतिया किसुमान केमिकल केमिकल जेनेके पल्यूटेन्स एसिड एतिया पल्यूटेन्स बुला की होय एतिया लाइकेन लाइकेने की करे पल्यूटेन्सर एगेन्स्ट जैसे एसटो एगेन्स्ट जो बेसि एसटो बेसि थकने जो एसटो बेसि थक लाइकेन ग्रो करे लाइकेनबूर मरी जाए तो कारण यू केमिकल तो केमिकल एनवायरमेंटल स्टिमुली है और बायोलॉजिकल की है बेलेग यू अर्गेनिजम ऊपर सीटे जैसे रेस्पन्स शो करोलजिकल बायोलॉजिकल स्टिमुलस क्यों इतना आम नेक्स्ट टर्म पढ़ीम सेल्फ कन्सियसनेस इतना सेल्फ कन्सियसनेस देखा है अक कन्सियसनेस आम पढ़ी कन्सियसनेस तो एक डिफाइनिंग फीचर है यू अक लिविंग ऑर्गेनाइजम्स देखा पारे कि जी सेल्फ कन्सियसनेस है सेल्फ कन्सियसनेस तो अक ह्यूमेन बीइंग्स देखा पारे अक ह्यूमेन बीइंग्स देखा पारे यू कि है सेल्फ कन्सियस मानने कि है aware of himself or herself etu akol kune dekhai self consciousness ami society kene ke thakibo lage ki koribo lage etu kono animals etu dekhabo nware ami akol kune self consciousness akol kar ase akol human beings or ase etu etia ki hol ete ncrt data question ase je coma patients bor consciousness dekhan nai living ने नॉन लिविंग इतना कि है जी कोमा पेशेंट है
কোমা পেশেন্টে ব্রেইন ডেড থাকে কোমা পেশেন্টবোৰ কি হয় ব্রেইন ডেড তেওঁলোক কনসিয়াস হয় কোমা কোমাৰ পৰাটো বহুত মানুহ ভাল হৈ যায় ন কিন্তু তেনেকে কোমা পেশেন্টবিলাক ব্রেইন ডেড হয় তেওঁলোকে একো ৰেসপন্ড দিব নোৱাৰে তেওঁলোক কনসিয়াস হয় তেওঁলোকে ফিল কৰিব পাৰে ওচৰ পাজে কি হৈ আছে কিন্তু তেওঁলোক সেলফ কনসিয়াসনেস নাথাকে তো সেইকাৰণে আমি কোমা পেশেন্টক লিভিং বুলি ধৰিব পাৰোঁ সেইটো তো ষ্টুডেণ্টছ আজি মই তোমালোকৰ লগত লিভিং ৱৰ্ল্ডৰ যিখিনি কেৰেক্টাৰিষ্টিক ফিচাৰ্ছ আছে সেইখিনি ডিছকাছ কৰিলোঁ তোমালোকে ইম্পৰ্টেণ্ট যিবিলাক নোটছ আছে সেইবিলাক ভিডিঅ'টো গোটেই কমপ্লিট চাই পেলাই নোটছবোৰ লিখি ল'বা আৰু নেক্সট মই তোমালোকক বায়'ডাইভাৰ্চিটি কথা শিকাম আৰু নেক্সট তোমালোকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবা আৰু লাইক কৰিবা আৰু ভিডিঅ'টো কমপ্লিটলি চাবা থেংক ইউ ফৰ ৱাচিং